मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके एक स्टैंडर्ड अबाकस में कितने बीट्स होते हैं। आप लोगों ने काउंट कर लिया होगा, तो हम लोग टैली करते हैं। ये है मेरा अबाकस, आपके पास भी ऐसा ही अबाकस होगा। एक अबाकस में 17 रॉड्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड अबाकस में। और जो हमारी लोअर बीट्स होती हैं, 17 रॉड है तो हमारी लोअर बीट्स में 68 बीट्स होती हैं, और हमारी अपर बीट्स सभी रॉड्स में 1-1 होती हैं, तो 17 रॉड हो गई। 68 एंड 17 दोनों अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल बीड्स हमारे अबाकस में 85 होती हैं। तो आई थिंक आप लोगों का आंसर भी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले जो हमारी और भी क्लासेस थी उसमें हम काफी सारे माइनस के बिग फ्रेंड के फॉर्मूलाज कर चुके हैं। -9, -8, -6 और एंड -7, हम ये वाले अपने फॉर्मूले कर चुके हैं। ये सारे फॉर्मूले देखने के लिए आप लास्ट की वीडियोस देखिएगा। यहाँ पर हम अपना एक सम देखते हैं, हमें यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूलाज करने हैं, उसके लिए हम सम के थ्रू ही फॉर्मूलाज को याद करेंगे। तो देखेंगे, तो हमारी फर्स्ट डिजिट है 9, 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, तो +4 के लिए, देखिए हमें +4 करना है, तो +4 के लिए हमने अपने बिग फ्रेंड के प्लस में जो फॉर्मूला पुट किया था +4 के लिए वो करेंगे। -6 + 10। अब हमारे पास है -5। अब देखिए हम लोग -5 कैसे करेंगे, हमारे पास तो -5 है ही नहीं, तो हम माइनस कैसे करेंगे, प्लस तो कर सकते हैं पर माइनस नहीं। तो ऐसे में हम लोग अपना -5 का फॉर्मूला पुट करेंगे, और -5 का फॉर्मूला हमारा क्या है, +5 - 10। देखिए 5 का पार्टनर 5 होता है, -5 कर रहे हैं तो पार्टनर प्लस होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट नंबर है -2, डायरेक्ट हो जाएगा, आंसर इज 6। अपना नेक्स्ट सम देखते हैं 9, 3। अब 3 के लिए +3 के लिए -7 + 10। -5 अगेन हम फॉर्मूला पुट करेंगे, +5 - 10। नेक्स्ट हमारा डिजिट है 4, डायरेक्ट नहीं हो सकती, +4 कर रहे हैं तो -6 + 10, दैट इज 11। नेक्स्ट हम देखेंगे 1, 9। अब 9 के लिए +9 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -1 + 10। अब हमें यहाँ अगेन -5 करना है, फॉर्मूला है हमारा +5 - 10। नेक्स्ट डिजिट है हमारी 3, डायरेक्ट हो जाएगी, सो हमारा आंसर इज 8। नेक्स्ट हम देखेंगे 4, 9 - 9 के लिए हम लोग -1 + 10, -5 अपना हम फॉर्मूला पुट करेंगे 4 के लिए -6 + 10, सो आंसर इज 12। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट सम है हमारा 13 - 4। अब हमारे पास -4 करने के लिए नहीं है, तो हम यहां पर फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, और बिग फ्रेंड में हमारा -4 का फॉर्मूला क्या होता है, +6 - 10। अब हमें करना है 3, हम 3 + 3 करने के लिए हम बिग फ्रेंड का फॉर्मूला लेंगे, -7 + 10। अब हम करेंगे -4, -4 के लिए अगेन हमें फॉर्मूला पुट करना है, +6 - 10, सो आंसर इज 8। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर आप लोगों को ये सारे ही फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो आपको इजीली सम करने में कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 7, 5 and 2 pinch, 5 + 5 के लिए -5 + 10, -4 के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे, +6 - 10। एंड नेक्स्ट डिजिट है 2 के लिए -8 + 10, सो आंसर इज 10। नेक्स्ट हमें हमारा 5, अगेन 5 करेंगे तो -5 + 10। अब हमारे पास है -4, फॉर्मूला पुट करेंगे, +6 - 10। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है +4, +4 के लिए -6 + 10, सो आंसर इज 10। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको फॉर्मूलाज कराए हैं उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अबाकस पर भी कीजिएगा, मेंटली भी कीजिएगा। एंड मैंने इस लास्ट इसकी वीडियो की लास्ट में कुछ आपको शीट्स दूंगी, वो सॉल्व कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।